Hello, students. Welcome to SSC Ada Live Session. I'm Yashita and he's Aniket sir. Hello. So, aaj hum discuss karenge RRB JE recruitment. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इस ईयर की जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई है वो है आरआरबी जेई की। तो आप सबको बता दें, इसमें जो वैकेंसी है टोटल है 13,487 और सबको पता है कि इसमें जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम का वो है मैम कब? अप्रैल और मई में जो है ये 2019 में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए तो सही है, दैट्स गुड। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया तो सबसे पहले हम उनको ये इन्फॉर्म कर दें कि इसका लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने का है दैट इज 31st January, सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, अभी अप्लाई कर दो तो ज्यादा सही रहेगा। लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कि साइट जाम हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो काफी इश्यूज आते हैं आएंगे आपको। हो सकता है आप अप्लाई कर दो देन पेमेंट में इश्यूज आते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अभी अप्लाई कर दो। तो ये सबसे अगर फायदेमंद होगा आपका, आराम से आप पहले इसको जो है अप्लाई करो ताकि आप जो है कोई इशू ना हो, आप अपना अच्छे से एग्जाम जो है अप्लाई कर पाओ, है ना। तो एस्पिरेंट्स, हम इससे हमारा लाइव सेशन में आने का लाइव जो है आने का हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि जो है काफी एस्पिरेंट्स के जो है ये क्वेरी आ रही थी कि सर मैम जो है आरआरबी जेई का हमने फॉर्म तो फिल कर दिया, ठीक है, अब उसका प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्या करें, हमें कहाँ से नोट्स मिलेगा, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्विज कहाँ से मिलेगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो उन सब का सॉल्यूशन लेके हम यहाँ आपके सामने आए हैं कि आरआरबी जेई मतलब आप एसएससी अड्डा पे आओ, आपका आरआरबी जेई जो है क्रैक होगा। exactly. उन सब का सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि हम आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे, हम आपको टोटल प्लान हम आपके सामने शेयर करेंगे आज, बताएंगे डे वन से आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको स्टेज वन के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आपको टेक्निकल पार्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैम जो है हम क्या करने वाले, क्या बताने वाले स्टूडेंट को, आप जरा उनको बताएं। सो हम लेकर आए हैं एसएससी अदा पे 60 डेज स्टडी प्लान। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी टैगलाइन जो है, प्रैक्टिस इज द की टू क्रैक आरआरबी जेई। सो इस टैगलाइन पे हम लोग 60 डेज का स्टडी प्लान प्रोवाइड करा रहे हैं, इन विच यू गेट एवरी सेक्शन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स लाइक, और इससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टेज वन की, उसमें 4 सेक्शन है आपके, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और आपका साइंस है। अगर मैं देखूं जो मेजर पार्ट जो है या फिर मैक्सिमम मार्क्स जो है कौन से पार्ट में से है, दैट इज फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस और जनरल साइंस। तो मैथ्स एंड साइंस में हमारे 30-30 मार्क्स है और 30-30 क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमने अपने स्टडी प्लान में टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स आपको, मतलब टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स की बात करूँ सर, तो 28 जैन, ये हमने जो या 29 जैन है, 28 जैन से जो ये स्टडी प्लान को जो है बताने के लिए हम ये आए हैं कि हमने जो है 60 डेज स्टडी प्लान जो है लॉन्च किया है। 4 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस जो 30-30 मार्क्स का जो कि काफी मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें हमने टॉपिक वाइज जो है सारा कवर किया है। एक चीज स्टूडेंट्स, और एक चीज मैम मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, आज मॉर्निंग से काफी मेल आ रहे हैं, क्वेरी आ रही बच्चों की कि सर ये क्या स्टडी कोर्स है, क्या है, क्या नहीं, वीडियो कोर्स है आपके लिए। ये एसएससी अड्डा पे आपका स्टडी प्लान है, हम आपको डेली इसी टॉपिक इसी पे जो है, जो भी आपका स्टडी बना हुआ है प्लान, ये इसी टॉपिक वाइज में हम आपको क्विज करवाएंगे, इसी रिलेटेड आपके जो भी क्वेरी होंगे कुछ क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे, जो भी आपका जो भी डाउट्स होगा जो भी उसी रिलेटेड सारा हम जो है मतलब सारे हम आपके लिए ही बैठे हैं, हम आपके लिए ही सारा प्लान ये लेके आए ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। एग्जैक्टली, अगर मैं 28 कल की बात करूं तो हमने मैथ्स में नंबर सिस्टम पे क्विज दी थी, और साइंस की बात करूं तो फिजिक्स पे हमने वर्क एनर्जी और मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चंस दिए थे। 29th की बात करूं तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी प्रोवाइड कराएंगे और बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, और आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। 60 डेज 60 टॉपिक्स। हाँ बिल्कुल, तो सेम उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में भी जो कि 15 मार्क्स जो है एग्जाम में से आने वाला है, तो उसमें भी जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जैसे उसे हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, तो हर दिन जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बांटी हुई है और हर दिन जो हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो है उसमें इजी रहते हैं, तो हमने क्या किया है उसमें मिक्स क्वेश्चंस जो है मिक्स क्वेश्चन हम डालेंगे जो कि 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो आपको रीजनिंग में भी जो है डिफेंड में बच्चे इजीली स्कोर कर पाते हैं, इमेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं और जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें जो है हमने मिक्स क्विज जो है रखा है ताकि जो है बच्चे उसमें करते जाए, और जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम जो है आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी इनका प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वहां से एवरी संडे आप वहां से पीडीएफ से प्रैक्टिस कर पाए।
है ना। आप ये जो क्विजेस इसमें प्रोवाइड होंगी वो आप अड्डा 247 ऐप पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और एसएससी अड्डा पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि जो भी क्वेरी है आपको इससे रिलेटेड आरआरबी जेई से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं और इशिता मैम आपके सामने बैठे हुए आपकी क्वेरी का ही आंसर करने के लिए बैठे हुए। एग्जैक्टली। और कल हमने करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ की 3 मंथ्स की कंपाइल पीडीएफ है स्पेशली फॉर आरआरबी जेई एग्जाम। तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है सर और कंपटीशन बहुत है। जैसे कि हमने एक सर्वे किया था 21 जान तक, लाइक 2 जान टू 21 जान तक 18 लाख 50,000 के अराउंड एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर लिया था। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मतलब कितना कंपटीशन यहाँ पे हाई है। आपको देखना पड़ेगा कि हमने मतलब आज जो है 29 जैन हो गया और 31 जैन, मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, 31 जैन इज द लास्ट डेट है, आप उसका वेट ना करें क्योंकि बाद में जो है आपको सर्वे इशू आएगा, ये इशू आएगा, वो इशू आएगा, फॉर्म फिल करने में दिक्कत होगा। बेहतर है आप पहले से फॉर्म करवाने के लिए एसएससी अड्डा आपके सामने बैठा हुआ है, एसएससी अड्डा बैठ के आपकी पूरी तैयारी। जैसे कि सर कमेंट सीख लेते हैं, प्रवेश बोल रहा है एग्जाम कब हो सकता है एग्जाम। अब जैसे आप बोल रहे हो इलेक्शन है, वैसे तो अगर नोटिफिकेशन की वर्डिंग देखी तो अप्रैल में हो जाना चाहिए। अब जैसे टीसीएस कंडक्ट करा रही है तो कोई भी एग्जाम डिले नहीं हुआ है। अगर मैं एएलपी देखूं, ग्रुप डी देखूं, तो सारे एग्जाम्स टाइम टू टाइम हुए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आरआरबी जेई का एग्जाम भी टाइम टू टाइम होगा। प्रवेश सिलेक्शन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है, बट इसका जो टेंटेटिव डेट जो हमें मिला है, टेंटेटिव डेट है हमारा अप्रैल टू मई में, अप्रैल या अप्रैल में भी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट वीक में हो जाए, सेकंड वीक में हो जाए, जब भी स्टार्ट हो जाए, टेंटेटिव डेट इसका मंथ जो है अप्रैल और मई दिया गया है। लास्ट डे जो है 31 जैन है, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डे और लास्ट मोमेंट, तैयारी स्टार्ट कर दोगे अभी से। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमने पार्ट ए, जो हमारा स्टेज ए है, उसके बारे में हमने जो स्टडी प्लान बनाया आपके और सामने, हाँ सर, हम लोगों की प्लानिंग है कि पार्ट बी जो टेक्निकल है उसके लिए भी हम लोग नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना फॉर श्योर स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी आप स्टेज वन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए भी जो है मैम, इसके लिए भी मॉर्निंग से काफी क्वेरी आ रही कि सर हम पार्ट ए के लिए तो चलो हम तैयार कर लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन हमारा टेक्निकल पार्ट है, पार्ट बी जो टेक्निकल पार्ट है उसमें सिविल हमें बनाना पड़ना है, इलेक्ट्रिकल है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सीएसआईटी है, कैसे पढ़े, इसकी तैयारी हम कैसे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हम इसके लिए भी हम आपके सामने बैठे हुए, इसकी भी तैयारी हम करवाएंगे, इसके लिए भी जो है मैम आपको बताएंगे, इसके लिए भी हम जो है प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए हमने आरआरबी जेई प्राइम लॉन्च किया है कल, जो 31 जैन तक ही अवेलेबल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो वो जो जेई प्राइम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एसएससी अड्डा पे अवेलेबल है आपको, ये पांचों आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अगर मैं इस मॉक टेस्ट के बारे में बताऊं तो इसमें आपको 85+ मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जो लिंक दिया हुआ है उसके अगर पीडीएफ में आप जाएंगे नीचे, सारे जो है जितने सारे आरआरबी जेई प्राइम हमने लॉन्च किए हैं, ये याद रखना ये 31 जैन तक ही वैलिड है। 31 जैन को फिर ये जो है वैलिडिटी इसकी खत्म हो जाएगी, आरआरबी जेई प्राइम की 31 जैन तक वैलिड है। 31 जैन तक आप एक काम करो, आराम से जा सकते हो, आपका जो भी है इलेक्ट्रिकल का हमने लॉन्च किया, सीएसआईटी का लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉन्च किया, मैकेनिकल का लॉन्च किया, सिविल का लॉन्च किया, तो आप जो इसमें जा सकते हो, यहां से आपका जो है ये आपका जेई प्राइम 31 जैन तक, जिसमें 85+ टोटल टेस्ट हैं जो कि आपको मिलेंगे, साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीट भी मिलेंगे, साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। तो मतलब आपका कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है आपको टेक्निकल का भी, आपको वन सोल्यूशन फॉर आरआरबी जेई, मतलब आपका यहाँ पे स्टडी प्लान भी मिल गया, आपको टेक्निकल पार्ट भी मिल गया, और आपको जो है धीरे आप मतलब टाइम टू टाइम पे हम जो है टेक्निकल के पार्ट कुछ क्विज होंगे, पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे, वो भी आपको एसएससी अड्डा पे प्रोवाइड होगा। अगर मैं इसके बारे में एग्जैक्ट बताऊं तो आपको 15 मिलेंगे फर्स्ट स्टेज के एग्जाम्स, सेकंड आपको मिलेगा 7 फुल लेंथ मॉक फॉर टेक्निकल पार्ट, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले लेंगे तो इलेक्ट्रिकल के 7 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, उसके साथ आपको 5 इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, एंड देन आपको 20 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट होंगे, जैसे 4 सेक्शन है तो उनके 20 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट होंगे, उसके बाद आपको 20 टॉपिक वाइज मिलेगा इलेक्ट्रिकल के लिए। मैं अभी इलेक्ट्रिकल का बता रही हूँ, सेम इज फॉर सिविल, सीएसआईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके साथ आपको स्टडी नोट्स में ई बुक्स प्रोवाइड होंगी हर प्राइम में, जेई प्राइम में, तो जितनी जेई प्राइम है उसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। तो आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है, आपका एक एग्जाम सारा सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जो है आप ये 30 मैं बता दो एक बार दोबारा कि 31 जैन तक हमारा आरआरबी जेई प्राइम है, और 31 जैन तक जो है इसके फॉर्म फिल करने का भी लास्ट डेट है, हम दोबारा बता दें आपको। कोई और क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप एसएससी अड्डा पे आकर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम या फिर आपको कुछ और मेल करना है तो gopal.anand@gopal247.com पे आप मेल कर सकते हैं।
और अगर आपको ये जेई प्राइम लेना है तो आप store.adda247 पे लॉग इन देख सकते हैं वहां पर, या फिर आप एसएससी अड्डा पे आकर भी आपको ये मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड इस स्टडी प्लान को स्टार्ट कर दीजिए, फॉलो करिए डेली रूटीन बेसिस पे, क्योंकि हम डेली इसमें लिंक्स अपडेट कर देंगे. डे वन, डे टू, जैसे आज डे टू है तो डे टू के लिंक्स आपको इवनिंग तक अपडेट मिल जाएंगे, और फर्दर डे थ्री डे फोर के लिए आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा. Okay, students. So, stay in touch for regular updates for RBJ exam. Okay, good luck. All the best.